मार्केट इन्वेस्टर्स के लिए शेयर मार्केट का पिछला हफ्ता अच्छा नहीं रहा है। लगातार बाजार में रैली के बीच बाजार में पिछले हफ्ते काफी उथल पुथल नजर आई। खासकर स्मॉल कैप और मिड कैप सेगमेंट के लिए पिछला सप्ताह काफी बुरा रहा। दोनों सेगमेंट में भारी बिकवाली देखी गई, जिससे शेयर बाजार के निवेशकों को अरबों डॉलर का चूना लग गया है। वहीं हालिया गिरावट के पीछे सेबी चीफ के एक स्टेटमेंट को माना जा रहा है। मार्केट रेगुलेटर सेबी की प्रमुख ने मिड कैप और स्मॉल कैप की वैल्यूएशन पर चिंता जाहिर की थी और इस बबल को लेकर वार्निंग भी दी थी। इसके अलावा एक वजह महादेव ऐप भी बताई जा रही है। ईडी ने स्कैम से जुड़े एक आरोपी के डीमैट अकाउंट में रखे 1,000 करोड़ से ज्यादा के शेयर्स को जब्त किया है। ऐसा बताया गया है कि महादेव ऐप स्कैम के पैसे को मिड कैप और स्मॉल कैप के शेयर्स के माध्यम से शेयर मार्केट में खपाया जा रहा है। वहीं पिछले एक साल के दौरान आज जबरदस्त रैली में स्मॉल कैप करीब 100 इंडेक्स पॉइंट लगभग डबल हो गया था। वहीं मिड कैप के शेयर्स में इस दौरान 60% की तेजी आई थी। शेयर बाजार की हालिया गिरावट का असर एसएमई आईपीओ की लिस्टिंग में भी देखने को मिला है। पिछले हफ्ते लिस्ट हुए आरके स्वामी, सोना महेश्वरी और जेजी केमिकल्स के आईपीओ गिरावट के साथ खुले हैं। शेयर मार्केट की हालिया गिरावट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए पैसा लाइव को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।